हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डेली टेक नेटवर्क बूस्टर। और काफी दिन के बाद मैं वापस आया हूँ आप लोगों के पास। और एक क्विक अपडेट है आपके लिए, जो भी मेरे इस चैनल पर जो करंट नेटवर्किंग और सीसीएनए के कैंडिडेट हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होगा और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो #07 सेशन के साथ फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज के लिए। कुछ सेशन जो इम्पोर्टेंट थे वो छूट चुके थे, जैसे कि जो रियल नेटवर्क में मैं बताना चाह रहा था। एक्चुअली क्या है ना कि बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि रियल नेटवर्क के मैं वीडियोस बनाऊं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज लेकर आया हूँ बेसिक नेटवर्किंग के लिए। जो भी सीसीएनए नेटवर्किंग के जो कैंडिडेट्स है, तो इन कैंडिडेट को मुझे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो मैं एक स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि जो भी सीसीएनए का कैंडिडेट है कि यार क्या होता है सीसीएनए। हमने कल क्या किया था, कल एक सर्वे किया था। जैसे कि मैं मेरे जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ उस कॉलेज में मैं गया था, तो हमने पूछा, एक छोटा सा सर्वे किया कि यार क्या होता है सीसीएनए। तो जो बी फाइनल ईयर इट मीन बाय जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक के स्टूडेंट है, यानी कि आई होप मेरी आवाज आ रही होगी आपको। ओके, तो जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के कैंडिडेट है, जैसे कि बी फाइनल बी टेक फाइनल, तो मैं मेरे ही कॉलेज में गया, मैंने पूछा मुझे बताओ सीसीएनए के बारे में। मैंने एक टेस्टिंग टाइप का पूछा कि देखो तो मार्केट में कितना जानते हैं लोग नेटवर्किंग के बारे में, यानी कि इंटरनेट के बारे में, राउटर क्या होता है, हब क्या होता है, स्विचेस क्या होता है, समथिंग समथिंग। ठीक है, तो फाइनल जो बेसिक निकला कि यार सीसीएनए क्या होता है, तो उनको तो पता ही नहीं यार क्या होता है, बोले सीसीएनए। ये मैं बात कर रहा हूँ बी जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं सीएसआईटी, यानी कि कंप्यूटर साइंस और नेटवर्क, अपना आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो चलो एक स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या था, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। तो लास्ट तक के आपको जो भी मेरे जितने भी टेक्निकल कैंडिडेट है मेरे चैनल पर जो कि वेट करते हैं, काफी मेरे फोरम से भी काफी अपडेट आया कि नेटवर्किंग के बारे में कुछ बताओ, कुछ रियल नेटवर्क। तो ये जो मेरा आपको दिख रहा है, ये मेरा राउटर्स है जो कि रियल नेटवर्क चल रहा है। ये पूरा आपको जो दिख रहा है, हमारा खुद का ISP है, जो कि जैसे कि जियो होता है, रिलायंस होता है, BSNL होता है, तो ये हमारा खुद का ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और यहाँ पर हमारे पास लगभग विद इन 10 150 से लेकर 200 कस्टमर कनेक्टेड है अभी लाइव। तो ये जो राउटर आपको दिख रहा है, कल ही हमने इंस्टॉल किया है, यानी कि एक्चुअली पहले क्या होता था वहां पर, देखो आई होप आपको दिख रहा होगा जो लाइट ब्लिंक हो रही है वहां पर। पहले क्या है, फास्ट इथरनेट वाले पोर्ट वाले राउटर आते थे, लेकिन अब जो हो रहा है एक्चुअल में, अब गीगाबाइट, यानी कि जो राउटर्स आ रहे हैं पूरा गीगाबाइट का आता है। जैसे कि आप कमांड चलाते हो FA something 0/1, और आप क्या है, तो सेम होता है उसमें, कमांड्स में कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा कि आप FA 0/1 करोगे, FA 0/2 करोगे, तो उसमें आपको गीगाबाइट लगाना पड़ेगा, G 0/0 0/1 समथिंग। ठीक है, तो सेम रहेगा, ये गीगाबाइट का पोर्ट है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो जो मेन क्या होता है, ये जैसे कि आप ये रियल नेटवर्क में कनेक्टेड है हमारा राउटर्स, तो जो आपको जो जो एलो कलर्स का केबल दिख रहा है, जो एलो कलर का, इसमें काफी सारी केबल्स दिख रही है आपको जो कंफ्यूजन करेगी, तो जो एलो कलर्स में केबल यहाँ पर हमारे पास आई है, ये है मेन ISP का। जैसे कि ये एक छोटा ISP है, और ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेन फाइबर नेट है, कि ये लगभग रिलायंस कम्युनिकेशन से आया है या टाटा कम्युनिकेशन से आया है, तो हमारी जो केबल्स है एक रिलायंस कम्युनिकेशन से आई है, जिसमें कि समथिंग इसका जो पावर है, जो कैपेसिटी है, 5 से 10 MBPS का फाइबर नेटवर्क होता है ये, जिसमें कि समथिंग अगर हाई स्पीड इंटरनेट लो तो इसमें लगभग 10 से 15 कस्टमर आराम से हाई स्पीड इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा पास करके दिखाता हूँ पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कोई भी राउटर को नया इंस्टॉल करते हो,
तो उसमें आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि दिख रहा है आपको 24 पोर्ट का होता है, तो मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं इसमें, फटाफट बताऊंगा कि रियल नेटवर्क में एक राउटर के बारे में, उसके बाद धीरे 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 करके मैं आपको हर एक एक चीज बताते जाऊंगा। जो भी आपका क्वेरी हो तो प्लीज लीव द मैसेज कमेंट सेक्शन बिलो। तो ये जो आपको दिख रहा है, अगर आपका राउटर ये सिस्को का है, जो राउटर का सीरीज है सिस्को 2911, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं पास में कर करके भी दिखाता हूँ आपको। तो जो सिस्को सीरीज है अभी हमारे पास 2911 का सीरीज है, यहाँ पर लिखा है देखो, ठीक है, जो वाया रिलायंस कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है, ये इसको बोलते हैं, जो यहाँ पर ये IAD लगा हुआ है जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टेशन के लिए काफी काम आता है, जैसे कि वहां पर एक्सेस पॉइंट नहीं है तो इसमें काम आ जाएगा, ठीक है। एंड ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसमें 24 पोर्ट का आपको दिख रहा होगा। अगर कोई राउटर फॉर एग्जाम्पल फॉल्टी हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, या कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाती है, ये बहुत कम केस में होता है क्योंकि सिस्को का डिवाइस इतना जल्दी डैमेज नहीं होगा। बट आपको सबसे पहले अगर नया राउटर इंस्टॉल करते हो तो पुराने राउटर का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यहाँ पर दो स्क्रू होते हैं, इसको रिमूव करके जो ये आपका जो कार्ड होता है इसको रिमूव कर देना है, और जो नया राउटर होता है यही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसमें इंस्टॉल होता है। तो फोरम में क्वेश्चन आया था, फोरम में जो आपने क्वेश्चन भेजा था कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका ये होता है, तो अगर राउटर शॉर्ट भी हो जाए तो हमने भी कल ही राउटर इंस्टॉल किया है, तो इसमें वो वाला नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसमें कि जो स्लॉट 1 होता है स्लॉट 2 होता है, ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं ESWIC 3 और ESWIC 2, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है डू नॉट रिमूव ड्यूरिंग नेटवर्क ऑपरेशन, राउटर को जब तक पावर ऑफ करना है, यानी कि राउटर को पावर ऑफ करने के बाद आपको पुराने राउटर्स का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रिमूव करना है प्रॉपरली, उसके बाद में जो उसमें अगर ढक्कन हुआ तो उसको खोल सकते हैं आप, और जो लास्ट में यहाँ पर जो आपको राउटर दिख रहा है इसको स्क्रू को डाउन करके आपको इसको प्रॉपरली अच्छे से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को बाहर निकालना है। बाहर निकाल के बाद इसको पूरा क्लीन करना होता है, जो कि आप बूस्टर मशीन से कर सकते हैं, क्लीनर मशीन से कर सकते हैं, या वैक्यूम क्लीनर समथिंग आता है, हर इनका डिवाइस का एक क्लीनर भी अलग टाइप का होता है, जिससे कि इसको काट करके नए राउटर में इंस्टॉल करके कॉन्फिगर करना है, और कॉन्फिगर करने के बाद आपको राउटर को पावर ऑन करना है, उसके बाद आपका मेन ISP का केबल कनेक्ट करना है, उसके बाद कस्टमर के साइड का ISP कनेक्ट करना है, और उसके बाद दोनों IAD UBR या जो भी आपका POE से लगा होता है उसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था सिस्को राउटर का मेन पॉइंट, ठीक है, जिसमें कि आपको इंस्टॉल करते वक्त कुछ इंस्ट्रक्शन याद रखना है। अब चलते हैं कहाँ पर, ओके ओके, तो अगर मेरा सेशन डिसकनेक्ट हो जाए तो मुझे आप बता दीजिए कि मेरा वॉइस आपको क्लियर आ रहा है कि नहीं। यस ऑफ कोर्स आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अब इसके बाद में मेरा स्क्रीन शेयर करूँगा तो कुछ बताऊंगा इसके बारे में आपको, नेटवर्क के बारे में कुछ जो बेसिक होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो कंसोल पोर्ट लैपटॉप्स में जो आजकल के लैपटॉप्स होते हैं इसमें कंसोल पोर्ट नहीं आता है, तो आपको अगर रिमोट पे राउटर्स को रिमोट पे लेना होता है तो उसके लिए आपको कोई भी डेस्कटॉप पीसी को यूज करना पड़ेगा। उसमें राउटर्स में जो सॉरी राउटर बोला जो लैपटॉप्स होते हैं, पहले की SCL के लैपटॉप्स में आता था कंसोल पोर्ट, ठीक है, अब नहीं आता है। काफी जो पहले के काफी ओल्ड लैपटॉप जो आते थे, जो बड़ा बड़ा होता था, उसमें कंसोल पोर्ट्स अवेलेबल आते थे, लेकिन अब कोई भी कंपनी लैपटॉप्स में कंसोल पोर्ट नहीं देती है, ठीक है। तो आपको राउटर को रिमोट एक्सेस कंट्रोल देने के लिए, जैसे कि आप कोई जैसे कि आप L2 या L3 इंजीनियर्स हो, तो आपका जो मेन एडमिन यानी कि मेन राउटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपसे कुछ नहीं होता है, तो आपको कंसोल के थ्रू आपको रिमोट में इसको देना पड़ेगा, जो कि कंसोल पोर्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि ब्लू कलर का कंसोल पोर्ट है। ये GB0/1, GB0/2, GB0/0, 1, 2, 3, और ये होता है आपका कंसोल पोर्ट, और ये होता है आपका इधर का ऑक्सिलरी पोर्ट, ठीक है। ये होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, ये WMSI 2 पोर्ट्स, उसके बाद में आपका
जो V35 से राउटर में कनेक्ट करते हैं, जो कि लीज लाइन के लिए यूज होता है, तो ये यहाँ पर होगा। V35 कनेक्टर मैं भी बताऊंगा आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, या किसी किसी और भी सेशन में मैं बता दूंगा। V35 कनेक्टर अगर थोड़ा सा आप देखोगे ऊपर, तो वो देखो V35 कनेक्टर, जो कि ब्लू कलर का केबल आपको दिख रहा होगा, वो V35 कनेक्टर होता है। ठीक है, टैगिंग कैसी होती है, तो देखो अगर मैं थोड़ा ऊपर करूंगा, तो जैसा जैसा मैं आपको थोड़ा ऊपर करूंगा, तो आपको टैगिंग दिख रही होगी मेरे हाथ की। ओके, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो ऊपर आपको दिख रही है ना, ये देखो, इसको बोलते हैं टैगिंग, जो कुछ फ्लैग टाइप का दिख रहा होगा। टैगिंग इस टाइप का करते हैं नेटवर्क्स में, आपकी जरूरत के अनुसार जो ISP होता है उसी को मालूम होता है कि टैगिंग किस टाइप से करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ बीच में जो सेटअप दिख रहा होगा हमारा, ये आईपी फोन है। आईपी फोन भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, एक वीडियोस में मैंने आईपी फोन के बारे में बताया था आपको, सीसीए ने जब पैकेट ट्रेसर में मैं बताता था आपको, जो बेसिक जो सिंपल सा एक स्टार्ट कैसे करना है सिस्को का, अब सीसीएनए में बेसिक में। ठीक है, उसके बाद में, ओके सॉरी फॉर दैट, उसके बाद में मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको जैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, तो आपको मेरा डेस्कटॉप भी दिखने लगेगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो गाइस मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, और यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। इसको मिनिमाइज करने के बाद अब आते हैं मेन इंटरनेट के राजा। तो इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये जो बॉस है हमारे, विंस ऑफ कफ बोल सकते हैं, CA चफ बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो इन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आप थोड़ा हिस्ट्री इनका देख सकते हैं, मुझे थोड़ा जितना आइडिया है मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं एक वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, 2016 में मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इंटरनेट के बारे में, सबमरीन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जिस जो जो फोरम से क्वेश्चन या वेबसाइट के थ्रू जितना भी क्वेश्चन आए हैं वो कवर करेंगे। तो इंटरनेट की शुरुआत देखते हैं। ठीक है, तो विंस अप ये मेन थे, इन्होंने इंटरनेट की एक बेसिक शुरुआत की थी। अब हुआ क्या था कि जो पहला जो पहला अपना सैटेलाइट भेजा गया था, इस स्पटनिक नाम का, स्पटनिक। ठीक है, तो इसका मैं फोटोज दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यानी कि ये जो वैज्ञानिक थे, जो बॉस थे इंटरनेट के, इनका नाम देख सकते हैं, इनका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो, आ रही है ना, ओके, तो पहला जो स्पटनिक भेजा था, तो जो कि जो है, जैसे कि हेलो मैसेज भेजने के लिए समथिंग। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या हुआ था, इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था 1950s के समथिंग में, 1943 के अमेरिकन इंटरनेट पियोनर ने सबसे पहला सैटेलाइट भेजा था, जो कि एक बेसिक इंटरनेट कनेक्शन के लिए, जिसमें कि हेलो मैसेज, लॉगिन मैसेज, दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया था। तो सबसे पहला स्पटनिक था, ये इमेज देख सकते हैं स्पटनिक का। तो मेरा रिसर्च के अनुसार यही वाला जो पहला इंटरनेट कनेक्शंस के लिए, तो ये एक सिर्फ जो बेसिक सिग्नल भेजता था कि एक हेलो भेज दिया, जैसे कि अभी भी कोई सी भी सैटेलाइट्स को जो लॉन्च होते हैं करंट में, तो अगर यहाँ से इंडिया से, मतलब कि अर्थ से लॉन्च करते हैं, इंडिया से लॉन्च करते हैं, तो वो जैसे कि मून पर जाएगा, चंद्रमा पर, तो एक मैसेज को भेजने और रिसीव करने के लिए उनको 5 मिनट से लेकर 25 मिनट या 24 मिनट लग जाते हैं
उनको सिग्नल को भेजने और रिसीव करने के लिए, जैसे कि कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल PSLV C-37 ले लीजिए, अगर यहाँ से कोई कमांड्स जा रही है, आपको सिग्नल भेजना होता है, तो वो उसको उसके पास जाने के लिए अगर वो सैटेलाइट सिग्नल भेजेगा अर्थ पर, तो लगभग 5 से या 7 से लेकर 24 से 25 मिनट लग जाते हैं उस सिग्नल को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तो जो जो जी चीफ थे, इन्होंने पहला स्पुतनिक जो कि ये सैटेलाइट था, ये लॉन्च किया था। तो उसके बाद लॉन्च होने के बाद कुछ इनको सिग्नल्स मिलने लगे, तो हेलो मैसेज और कुछ लॉगिन मैसेज इन्होंने भेजा था। तो यहाँ पर स्पुतनिक 1 के बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ देखो 1957 4 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। इसके बारे में जो इंटरनेट की जो हिस्ट्री है, यानी कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो बस यहाँ से एक स्पुतनिक सबसे पहले भेजा था। उसके बाद जैसे कि मैं कुछ बता देता हूं आपको एक बेसिक से। ओके ओके, तो हमारे जो विंग थे, तो ये मेन बॉस थे, ठीक है, नेशनल एकेडमी इंजीनियरिंग, अब उसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट जो मेन, ये मतलब इंटरनेट की शुरुआत तो मेन डिफेंस ने ही की थी, यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो यानी कि जैसे कि इंडियन आर्मी होता है, इंडियन नेवीज होता है, कि एक दूसरे को रिकनेक्ट करने के लिए, कि यार कैसे उनको सर्च करेंगे। GPS का आपने सुना होगा कि कहीं दूसरा जहीं पर जैसे कि वॉर वगैरह हो रहा है या लड़ाई हो रही है, तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए समथिंग। और उसके बाद में तो एक इन्होंने डिफेंस जो डारपा होता है, ARPA आपने सुना होगा, ARPA का लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो डारपा है, इन्हीं ने जो डारपा है यानी कि जो एजेंसी, इन्हीं ने सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था और इन्हीं ने इंटरनेट की शुरुआत की। तो ये बिल्डिंग्स देख सकते हैं डारपा की हेडक्वार्टर, यह है डारपा का हेडक्वार्टर, ठीक है, यानी कि मेन इंटरनेट की शुरुआत US से हुई थी, ठीक है। और डारपा जो एजेंसी है, इन्होंने ही पहला सैटेलाइट जो कि स्पुतनिक बोल सकते हैं आप, ये वाला इन्होंने लॉन्च किया था। और उसके बाद से एक दूसरे को धीरे धीरे सिग्नल भेजते गए, और पहला जो दो कंप्यूटर इन्होंने कनेक्ट किए थे 1958 समथिंग, और यहाँ भी मेरे को लगता नहीं है कुछ कन्फर्म दिया है डारपा, क्योंकि कहीं कहीं लिखा है 1948 लिखा है, कहीं की 19, तो यानी कि मेन स्टार्टिंग जो हुई थी 1947 या 48 के करीब तकरीबन समथिंग, ठीक है। अगर अपन विंग चीफ का देखें तो यहाँ पर इन्होंने 1943 लिखा है, और इनका वेक्टर नेटवर्क पे देखें तो इनका 1952 लिखा है, ठीक है। बट एक मेन नेशनल मेडल टेक्नोलॉजी के अनुसार जो इनको काफी सारे विंग चीफ्स को अवार्ड्स मिले हैं इंटरनेट के लॉन्च करने में, ठीक है। तो ये है हमारे बॉस इंटरनेट की रचनाकार, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेट। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक थे बॉम कॉहन करके, इन्होंने फिर उसके बाद TCP/IP बनाया, OSI मॉडल धीरे धीरे किया, IP डिवाइड हुआ, क्लास बनते गई, क्लास A, क्लास C, क्लास B, क्लास D, और जैसे जैसे इंटरनेट की जरूरत पड़ती गई, उसके बाद में कुछ क्लास बनते गई, कुछ प्रोटोकॉल्स आते गए, और उसके बाद में ये पूरा इंटरनेट बढ़ते गया, ठीक है। ये भी एक अमेरिकन साइंटिस्ट बोल लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोल लो, इन्होंने इनके बाद जो विन चीफ है, इनके बाद इन्होंने बॉम्स बोल सकते हैं इनको, बॉब माने इंटरनेट की। फिर इन्होंने कुछ TCP/IP को लॉन्च किया, जिसके यहाँ लिखा है देखो कि रॉबर्ट, इनका रियल नाम था रॉबर्ट इलियोट बॉबकॉन, बॉर्न December 23, 1938, इज अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और उसके बाद इनने लिखा है कि अलोंग विन चीफ इन्वेस्टेड द रोबोट ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो TCP सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया था, TCP/IP के बाद में OSI मॉडल बना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। उसके बाद कई सारे प्रोटोकॉल आते गए, जैसे कि BGP, DHCP, RIP, NTP, POPs, RTP,
EIGRP समथिंग समथिंग, ठीक है, उसका मैं ऑलरेडी एक सेशन बना चुका हूँ, तो वहां देख सकते हैं आप लोग। एक बेसिक, एक मैं भी बेसिक बता रहा हूँ जितना मुझे भी आइडिया है। तो हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, तो सबसे पहले 1950 में एक कॉन्सेप्ट पैकेटिंग भेजने के लिए, एक पैकेट नेटवर्क भेजने, तो अर्पानेट ने और डार्पा ने ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्टार्ट किया था इंटरनेट का शुरुआत, ठीक है। तो मैं एक आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, एक बेसिक सिस्को नेटवर्किंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक अगर रन हो जाएगा तो मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने रियल नेटवर्क में बताया आपको, तो ऐसा ही हम रियल नेटवर्क का पहले स्नोरी स्नेरियोज बनाते हैं। तो रन हो जाएगा तो शायद आपको दिख जाएगा। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे तो मिल जाएगा, लेकिन वो स्टूडेंट वर्जन मिलेगा। अगर आपको रियल चाहिए तो आप CCNA सर्टिफाइड हो गए, तो ऑलरेडी आप सिस्को नेटवर्क एकेडमी में रजिस्टर हो जाते हो, तो ऑलरेडी वहां से काफी सारी चीजें फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप CCNA सर्टिफाइड नहीं हो तो भी आपको चाहिए, तो मैं कुछ कुछ लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिनको नीड है वो आप कमेंट वो कर दीजिए, तो मैं उनको डाउनलोड लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक रियल नेटवर्क बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा मेन, जैसे कि मेरा जो मेरा मेन ISP है मुंबई में है, तो एक राउटर मेरा मुंबई में है, ग्वालियर में एक, ये यानी कि एक मेरा मेन कंपनीज है और उसने मेरा मुंबई हेडक्वार्टर है, उसी को हमने ग्वालियर राउटर से कनेक्ट किया, इंदौर राउटर से कनेक्ट किया है, और एक मेरा भोपाल में सर्वर है, एक मेरा पुणे में है और एक मेरा दिल्ली राउटर। तो ये इस टाइप के पहले बेसिक टॉपोलॉजीज बनाते हैं कि यार कैसा करेंगे, कैसा कनेक्ट करेंगे, कितने कंप्यूटर्स होगा, कितना राउटर्स होगा, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल चलाएगी, कितना सर्किट आएगा, कितना कि आपका जैसे कि कितना ISP से कनेक्ट होगा, काफी सारा है इसमें एक, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए कि इस टाइप का नेटवर्क होता है, ठीक है। तो मेरी अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो आप बोल सकते हैं मुझे। ठीक है, तो आप चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि सिस्को, तो सिस्को यानी कि सिस्को एक ऐसी मेन कंपनीज बोलो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो, कि जिसने राउटर, राउटर एक ऐसी चीज जिसमें दो नेटवर्क, यानी कि सिंपल भाषा में बोले कि दो बड़े बड़े नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। अब राउटर कई कंपनीज के होते हैं, बट मेन जिसने राउटर का बॉर्न किया वो है सिस्को। मेरा ही साइट खुल गया यहाँ पर, मेरा साइट पे भी जाकर देख सकते हो, siscotech1wix.com भी इस पे काम भी चल रहा है। तो गो टू द cisco.com पर जाकर आप काफी सारा देख सकते हो कि सिस्को ने ही सबसे पहले राउटर लॉन्च किया था, जो कि पूरा वर्ल्ड में, जिससे कि आप और मैं इंटरनेट चला पाता हूँ, मोबाइल आपके पास अगर मोबाइल में इंटरनेट आ रहा है तो यही राउटर है जिससे कि थ्रू आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होता है। जैसे कि जो मैंने आपको पहले अभी दिखाते आ रहा हूँ, आपको पहले देखना है वही सिस्को का राउटर है। कई सारे राउटर्स आ चुके हैं सिस्को के, 2800291, उसके बाद में 27 का सीरीज का, 28 की सीरीज का, 29 की सीरीज का, काफी सारे सिस्को के राउटर्स आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट सर्विस में जाने के बाद इनका काफी राउटिंग सूची, CCNA सिक्योरिटी, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, डेटा सेंटर, कोलैबोरेशन के बारे में देख सकते हो। उसके बाद में ट्रेनिंग एंड इवेंट में जाते हो, तो उसके बाद में आधे को सर्टिफिकेशन लिखा भी है, CCNA, CCDP, मोर CCNA एग्जाम। यहाँ पर अगर आप सिस्को सर्टिफाइड, CCNA का मतलब सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएट, CCNB सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग प्रोफेशनल,
या तो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के थ्रू भी आप देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम रिकमेंडेड ट्रेनिंग अभी 200 and 125 सीसीएनए का चल रहा है भी करंटली आई थिंक, और IC ND1 IC ND2 तो एक बेसिक सीसीएनए सही रहेगा। ठीक है, नेटवर्किंग के लिए तो cisco.com पर जाके देख सकते हो। मेन पहले जैसे कि हब आते थे, उसके बाद आता है कई सारी कंपनीज है, फिर रिलायंस का खुद का ब्राउटर्स बनने लगे है, उसके बाद में जूनिपर्स आती है, जूनिपर्स के भी काफी सारे राउटर्स आते हैं। तो जूनिपर का देख लेते जैसे कि सिस्को, मैं और थोड़ा पास करके दिखाता हूँ आपको सिस्को राउटर्स एंड गो टू द इमेज, बड़े आपको राउटर्स दिखाता हूँ। ये है सिस्को का मेन राउटर, मैं हमारे पास जो लगा है सिस्को राउटर 2911। ठीक है, तो 2911 जो मैंने अभी आपको दिखाया ये राउटर्स है वो आई थिंक यस 2911 ये 01 वाला है, 01 वाला राउटर ही देखो 2911 का मैं दिखा देता हूँ आपको। कोई भी देख लो यार, एक ही बात है, ये है 2911 इधर छुपा है साला, कहाँ गया 2911 2811 देख लीजिए, ये भी हमारे पास लगा है अभी, ये है 2811 राउटर। ठीक है, बड़ा करके देख लो, ये होता है नेटवर्क इंटरफेस आर ऑक्सिलरी पोर्ट कंसोल पोर्ट गीगाबाइट 0/1 0/0/0/0/1 0/2 0/3। ठीक है, एक बेसिक बता रहा हूँ सर्किट, यानी कि यही डिवाइस है जिसने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया है राउटर के थ्रू, इसी से आप इंटरनेट चलाते हो मोबाइल्स में एक विस्को, और भी आते हैं जूनिपर्स के देख लेते हैं, तो जूनिपर्स के राउटर भी देख लेते हैं। ठीक है, जूनिपर्स के राउटर एक ही होता है लगभग कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जूनिपर के राउटर में थोड़ा सा कमांड्स अलग होता है, जूनिपर J2350 लेकिन एक बेसिक वही है जहां तक के, बस कमांड्स में आई थिंक फिक्स है, नहीं तो बाकी बेस तो वही है सिस्को का राउटर। ठीक है, नेटवर्किंग का मतलब कि मेन टारगेट है आपका नेटवर्किंग डिवाइस होगा, जूनिपर्स के राउटर होते हैं यहाँ भी देख सकते हैं काफी। ठीक है, ये जो जूनिपर का राउटर है SSG5। ठीक है, और एक मैं राउटर दिखा जाऊं जो बड़े सारे जैसे कि फाइबर सर्किट में फाइबर में या रिलायंस 4G में आइडिया 4G में जो राउटर होते हैं जूनिपर, देखो एम सीरीज का। ठीक है, इन्हें तो कॉन्फ़िगरेशन भी छाप के दे दिया यहाँ पर। ठीक है, ये किसी ने मैक पर कमांड चलाई है तो उसका भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो cisco.com पर जाके काफी सारा नेटवर्किंग के बारे में एक बेसिक पढ़ सकते हो, और मेरे पास भी काफी सारा कुछ डेटा अवेलेबल है, जिसको लगे तो आप मुझे बोल सकते हैं, पढ़ने के लिए ओनली रीडिंग के लिए मिलेगा आपको। तो मैं दिखा देता हूँ एक बेसिक डेटा आपको, तो वो एंटर पासवर्ड ओके। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर टाइटल्स में एक बेसिक देखा जाए तो सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर में काम करने से पहले एक सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, नेटवर्क डिजाइन करना है, उसके बाद OSI मॉडल पढ़ना पड़ेगा, राउटर स्विचेस IP एड्रेसिंग क्लासफुल क्लासेज एड्रेस राउटिंग प्रोटोकॉल्स पैरामीटर समथिंग। ठीक है, उसके बाद CCNA कमांड्स, काफी सारा बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, तो जब पहला आपका कंप्यूटर्स कनेक्ट हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा मैं भी दिखा भी देता हूँ। तो जैसे कि पहले जैसे कि ये समझ लो एक राउटर है, सिस्टम से लेते हैं, जैसे कि पहला सिस्टम है आपका और ये दूसरा सिस्टम है। ठीक है, तो जो पहला मैसेज गया था
जिसकी हाय बोलो एक लॉगिन मैसेज भेजा गया था, सबसे पहले लॉगिन, ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया भी आपको, ठीक है। जो स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI और उसके बाद में जो स्पटनिक के थ्रू जो सिग्नल्स रिसीव होते थे, सेंड होते थे, तो जो पहला आपका SMS आता था, अमित आवाज आ रही मेरी? अमित आवाज आ रही? ओके, तो CCNA CCNP के मतलब एक बेसिक CCNA सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बेसिक सिस्को पैकेट ट्रेसर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चलाना है, नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा पढ़ो। जितना भी क्वेश्चन 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन जितना भी मेरे पास आया था, तो मैंने उसको कवर किया है कि कुछ राउटर के बारे में बताने की, इंटरनेट की हिस्ट्री बताने के लिए। सबसे पहला तो मेन है cisco.com पर जाके आप काफी सारा पढ़ सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट्स के बारे में। अब थोड़ा वो चलते हैं सबमरीन केबल। तो सबमरीन का तो मैं एक बेसिक वीडियो बना ही चुका हूँ, लेकिन बता देता हूँ। तो गो टू दिस साइट submarinecable.com, और कहाँ से केबल, कौन सी कनेक्टिविटी आई है, कहाँ से हमारा जो ISP आया, मैं इसमें ही बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पूरा का पूरा जो इंडिया का बोल लो या पूरा वर्ल्ड का मैप बोल लो, तो हमारा जो टर्मिनल है जो tier 1 tier 2, तो इतने में है हमारा, यहाँ पर इतने में समथिंग आएगा। तो जो पहला मेन ISP आया है, जैसे कि ये तो इंडिया के अंदर का नेटवर्क है, तो कोई भी ISP आपको चेक करना है तो ये ऐसे ही पूरा इंटरनेट चलता है। हाँ, किसी ने कहा था कि मैंने एक क्वेश्चन भी था कि जैसे कि मैं फेसबुक से मैसेज भेजता हूँ तो कैसे जाएगा, तो किसी ने कहा था कि हाँ वो तो वायरलेस ही जाता है। वायरलेस नहीं जाएगा, अगर मैं इंडिया से आपको हेलो करके भेजूंगा, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक खोला और मैंने हेलो मैसेज भेजा इंडिया से, कहाँ भेजा, ये इंडिया है, और मैंने इंडिया से समथिंग भेज दिया उसको, यहाँ पर कहाँ पर भेज दिया मैंने, मलेशिया, तो वो हवे में उड़ के नहीं जाएगा। मतलब एक वो थिंकिंग नहीं है, सैटेलाइट से चलता है, बट मेरे को तो नहीं लगता भाई। केबल डली है ना, ये अपना इंडिया का मैप है, और इंडिया का मैप से अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कहीं भी इंडिया में बैठा हूँ, फेसबुक खोल के वहां से हेलो भेजता हूँ किसको, किसी बंदे को जो कि मलेशिया में बैठा है, तो ये वो केबल होती है, यानी कि जो सी है, जो समुन्दर है आपका, उसके अंदर से केबल गई है, बड़ी बड़ी फाइबर जो कि बहुत ही पावरफुल केबल्स होती है, जिसमें कि 1000 से लेकर MBPS का नेटवर्क, हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क जाता है। तो उस केबल के थ्रू ही वो SMS जाएगा, सैटेलाइट से जाएगा, लेकिन 2 या 3%। बट जो मेन है अपना ऐसा इंटरनेट पूरा वर्ल्ड में, ये पूरा सारा दुनिया का इंटरनेट आप इस मैप में देख सकते हो कि यार इंडिया से कौन सा केबल्स आ रहा है, किस देश में कौन सी केबल जा रही है। मैंने इसका डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि ये काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क सबमरीन केबल्स, ठीक है। तो ये इंडिया का केबल है, जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ से मुंबई से काफी सारे टर्मिनल्स जा रहे हैं, ये यहाँ से बांग्लादेश से, श्रीलंका से, भारत श्रीलंका केबल देखते हैं, ये काफी सुना है इसके बारे में, भारत श्रीलंका केबल। यहाँ पर जिस भी केबल के बारे में देखना है तो BSNL, भारत लंका केबल सिस्टम, ये BSNL ने पहला केबल इंस्टॉल किया था, लेकिन अब तो BSNL बकवास हो चुका है, कुछ भी नहीं देता है। तो अब तो टाटा कम्युनिकेशंस का ही है, मेन टारगेट है टाटा कम्युनिकेशन का, हमारा भी जो मेन ISP है वो टाटा कम्युनिकेशन से ही आया है, भले वो डिवाइड होते हुए वाया रिलायंस, वाया BSNL के थ्रू, क्योंकि सर्किट तो उनका यूज होगा ही ना, जैसे हमारा यूज, अपन लोग, हमारा ISP या अदर किसी छोटे मोटे जैसे कि आइडिया वाले, आइडिया वाले का खुद का भी, उनका भी नेट नहीं है, उन्होंने भी टाटा कम्युनिकेशन या दूसरे किसी टीयर 2 या टीयर 3 ISP से लिया होगा,
उसके बाद उनने आपका पूरा वर्ल्ड में या इंडिया में नेटवर्क कनेक्ट किया है। जैसे कि इस केबल पर अपन क्लिक करते हैं, यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन का दिख जाएगा। तो ये देखो भारत श्रीलंका केबल सिस्टम लैंडिंग साइट 325 किलोमीटर ये केबल गई है इंडिया से लेकर श्रीलंका तक के। तो ऐसा ही इंटरनेट चलेगा आपका। थोड़ा सा एक बेसिक देख लेते हैं, तो थोड़ा इनको गूगल कर सकते हो आप। तो सबमरीन केबल, हियर दिस इज अ सबमरीन केबल मैप। तो देखो इन्हें दिखाया भी है। तो ये होता है सबमरीन केबल, इतना पावरफुल होता है कि ये कभी डैमेज भी नहीं होती। अगर इनके डैमेज हो भी जाती है तो ये देखो इस टाइप से मशीनें लगी होती है अंदर में, इस टाइप से केबल जाती है। देखो ये है सबमरीन केबल, ठीक है। थोड़ा यहाँ देख सकते हो, काफी सारा मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो वहां से ये देखो भारत श्रीलंका केबल सिस्टम, ये शायद इंडिया का ही होगा, आई थिंक ये इंडिया का होगा, इंडियन सबमरीन केबल। देखो लिखा है ये इस टाइप से आपके क्या बोलते हैं इसको, सीप के थ्रू जाती है। सीप से पूरा ऐसा सेटअप करते हैं और बिछाते बिछाते हुए काफी काफी मेहनत लगती है इसमें, काफी मिलियन बिलियन डॉलर का खर्चा आता है, उसके बाद में केबल इंस्टॉल होती है। तो ऐसे ही पूरा वर्ल्ड में आपका ये इंटरनेट कनेक्टेड है, जिससे कि आप और मैं, हम सभी लोग ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन समथिंग, जितना भी जो वर्ल्ड कनेक्टेड है ना, बस इसी सबमरीन केबल से कनेक्टेड है। देखो ये केबल्स, ये यहाँ देखो, ऐसा नहीं कि ऐसी बिछा देते, काफी पाइप के थ्रू पेयर के थ्रू जाती है। एक सबमरीन केबल का बेसिक देखे तो आई थिंक थोड़ा दिख जाएगा, ये कॉपर की वायर होती है पहला, ठीक है। पेसिंग स्विच लगा होता है, टेप्नॉल्स लगा होता है, कैरोपिट लगा होता है, ठीक है, ब्रॉड। उसके बाद में ये मेन होता है, और एक कोई केबल्स देखते गन्स कहाँ से आ गई, इस टाइप का। ये देखो एक कॉम्बो वीडियो समथिंग का दिखा रहा है यहाँ पर में, फाइबर केबल होती है, लाइट वेट होती है, सब कुछ लाइट के थ्रू चलता है। इसमें देखो इसमें 1 2 3 इतना पेयर्स लगा होता है। फाइबर केबल में आपको दिखा दूंगा कैसा होता है, पूरा मशीन से ही कनेक्ट होता है, काफी एकदम जो आपका बाल होता है सिर का उस टाइप से उसका पेयर होता है, जो दिखता भी नहीं है, इतना बारीक होता है फाइबर नेट। यहाँ पर देखो इस टाइप का काम कर देंगे, कट पिट जाए, कुछ डैमेज होता है इस टाइप का, जो सी में अंदर जाके जो बोलते हैं ना गोताखोर, आई थिंक इसी को बोलते हैं ये लोग, इस टाइप से ऐसा ठीक करते हैं इसको फिर। तो ये था आपका पूरा सबमरीन केबल का वर्ल्ड। व्हाट इज सबमरीन केबल? अ सबमरीन केबल कम्युनिकेशन केबल इज अ केबल लेड ऑन द सी बीट बिटवीन लैंड बेसेस स्टेशन to carry telecommunication signals across state of the ocean. The first submarine communication cable laid on the 1850 में ले गया था यार, केरी टेलीग्राफी टेरिफिक ने, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1950 में सबसे पहला सबमरीन केबल शायद आया था, लिखा भी है द फर्स्ट सबमरीन कम्युनिकेशन केबल लेड इन द 1850s। तो ये था आपका इंटरनेट का बेसिक हिस्ट्री। ठीक है गाइस, तो जो भी आपका क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपकी हर क्वेश्चन का जवाब देने की। और जाने से पहले जितना भी ईपीएफ का आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो ईपीएफ के लिए इसी वीडियो में मैं एक लिंक दे दे रहा हूँ, लिंक नहीं एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ आपको। तो जो भी आपका क्वेरी है मुझे मेल कर सकते हैं डायरेक्टली। ईपीएफ के लिए आपको कोई भी परेशान नहीं होना है, आप फटाफट पूछ लीजिए, हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द आपका जवाब देने की। अभी एक वीडियो पे हम काम कर रहे हैं, ईपीएफ का जल्द ही पोस्ट हो जाएगा वो सिस्कोटेक यानी कि इसी चैनल पर, तो आप उसमें देख सकते हैं। जिनका भी केवाईसी अपडेट नहीं हो रहा है ईपीएफ में, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा ईपीएफ के लिए अगर चलते हैं ईपीएफ इंडिया पर, तो गो टू द ईपीएफओ। तो ईपीएफओ इंडिया पर आप जाकर देख सकते हैं, काफी सारे इंफॉर्मेशन है। अगर आपको यूनिफाइड का पोर्टल में केवाईसी अपडेट नहीं हो रहा है, तो नीचे में जो जो ईपीएफ के आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि
उस अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को 100 मोर करोगे तो वहाँ 2 से 3 ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया रहेगा इन्हीं का, वहां से आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मेरा भी आईडी दिया वहां पर ईमेल आईडी, तो मुझे मेल कर दीजिए जो भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा हेल्प चाहिए तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा या तो आपको रिप्लाई करने की पूरी जल्दी कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है गाइज, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करता हूँ। फिर मिलता हूँ किसी बेस्ट और एक अमेजिंग टिकटॉक के साथ।